हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू टूडेज़ वीडियो आज के क्लास में हम लोग वन शॉट में इलेक्ट्रिसिटी क्लास टेन को कंप्लीट करने वाले हैं ये वीडियो मेनली उन स्टूडेंट के लिए है जो एग्ज़ाम के टाइम में एग्जाम से पहले एक्चुअली प्रिपरेशन के लिए शॉर्ट वे में प्रिपेयर करना चाहते हैं ठीक है थीके? तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और ये शॉर्ट फॉर्म में पूरा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे एक विजुअल डायाग्राम फ्लो चार्ट दिया हुआ है आ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ये पूरा सेटअप है एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी का तो ये सब टॉपिक जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं हम लोग एक एक करके यहाँ पे शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम से पहले बहुत इजीली इजी वे में याद रख सकते हैं ठीक है इसलिए वन शॉट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से फर्स्ट टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है जो हम लोग डिनोट करते हैं आई इक्वल टू इलेक्ट्रिक करेंट इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी राइट चार्ज पर यूनिट टाइम क्यू बाई टी ओके आई इक्वल टू क्यू बाई टी तो इसमें क्या होता है कि चार्ज का जो एस आई यूनिट होता है वो एस आई यूनिट हो जाता है एस आई यूनिट इज एम्पेयर ओके यह है इलेक्ट्रिक करंट और ये जनरली क्या होता है कि फ्लो ऑफ करंट हम लोग सॉरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग मानते हैं तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है इसमें बहुत सारा कंपोनेंट होता है जैसे कि हम लोग यहाँ, यहाँ, uh, okay. यह यह यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे ड्रॉ यह कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस ओके ये क्या है ये है आर आर रेजिस्टेंस पे पे एक एक सेल होगा होगा की द कंपोनेंट्स प्लस माइनस समझ में आ रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं फाइन तो ये है सिंपल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस आर क्या है रेजिस्टेंस भी पोटेंशियल डिफरेंस और के की है और ये जो है कनेक्टिंग वायर से सिंपल नेक्स्ट पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम लोग ने देखा है कि एक हम लोग सेल यूज के हैं इसके दो एंड में जो है एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है तो इन दोनों में एक्चुअली एक पोटेंशियल डिफरेंस है ओके तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ठीक है कितना वर्क डन करना पड़ता है सो so, इसमें से v जो होता है वर्क uh, डन जो होता है वो होता है v मल्टीप्लाइड बाई क्यू ओके ये फॉर्मूला यहां पे बन जाता है वर्क डन इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई क्यू क्यू मींस चार्ज तो हम लोग क्या लिख सकते हैं वर्क डन वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एनादर फ्रॉम वन पॉइंट पी से दिख रहे टू अनदर अनदर पॉइंट ओके फाइन तो ये हम लोग पोटेंशियल uh, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग यहां पे बोल चुके हैं नेक्स्ट आएगा जो टॉपिक है वो है ओहम स्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओहम स्लो क्या है ओम स्लो है वी प्रोपोर्शनल टू आई ओके एज ए होल वी इक्वल टू आई आर इक्वल टू आई आर हम लोग कब बोल सकते हैं इफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज इफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटिटीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ठीक है तब V प्रोपोर्शनल टू I बन जाएगा ठीक है इतना समझ में आ गया तो यही है ओहम्स लॉ यहाँ पे आर क्या है आर इज रेजिस्टेंस ओके तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस क्या आता है कि रेजिस्टेंस कितना रजिस्ट करेगा ओके सो तो इसका जो एस आई यूनिट है एस आई यूनिट इज ओहम ओ एच एम जिसको हम लोग इस तरीके से सिंबल ओमेगा सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या है रेजिस्टेंस है कि uh, कितना काइंड ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना रेजिस्ट करता है व्हेन इट फ्लोज थ्रू ए वायर एक वायर से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो कितना रेजिस्ट करता है उसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं ठीक नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस जो है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ओके okay? तो फैक्टर्स यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आर प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ के साथ आर सॉरी यहाँ पे आर हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए एरिया और एक हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओके ये अलग है बट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और एक होता है कि आर डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ओके किसके ऊपर डिपेंड करता है मटेरियल मटेरियल ऑफ द कंडक्टर कंडक्टर के मेटेरियल के ऊपर ये डिपेंड करता है सो so नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टिविटी तो रेजिस्टिविटी क्या चीज़ है रेजिस्टिविटी एक्चुअली हम लोगों ने जो यहाँ पे दो लाइन uh, लिखे हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल और आर प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए इन दोनों को मिला के हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ओके तो व्हाट इज रो रो हियर इज रेजिस्टिविटी रो का ऐसा uh, यूनिट SI क्या हो जाएगा रो का ऐसा SI यूनिट हो जाएगा ओहम मीटर uh, वो हो मीटर हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट ओके okay? तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है इट डिपेंड्स अपॉन इट ऑनली डिपेंड्स अपॉन व्हाट मटेरियल ओके मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं ये एंड ऑब्वियसली जो है टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है फाइन नेक्स्ट आ जाता है कि पावर पावर क्या चीज है पावर देखो पावर है एनर्जी डेसीपेशन जो है पर यूनिट टाइम ओके तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एनर्जी डेसिपेशन डेसिपेशन परूनिट टाइम ओके पर यूनिट टाइम यानी कि पावर इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम और यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला आ जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम का जैसे कि पी इज ईगल टू वी आई आ जाता है पी इज ईगल टू आई स्क्वायर आर ओके पी इज ईगल टू वी स्क्वायर बाई आर ओके इस तरीके का कुछ फार्मूलाज यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है ठीक है यह कुछ फॉर्मूलाज नेक्स्ट आ जाता है व्हाट नेक्स्ट आ जाता है जूल्स ऑफ हीटिंग जूल्स ऑफ हीटिंग में क्या होता है कि एच जो होता है हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ओके आई स्क्वायर आर टी के ऊपर डिपेंड करता है टी मींस टाइम यहाँ पे टी टेम्परेचर नहीं इट इज टाइम ये याद रखना है तो एच इज इक्वल टू एच इज़ अ काइंड ऑफ हीट एनर्जी ओके तो आई स्क्वायर आर टी तो यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला आ जाता है जैसे कि पावर इन टाइम हो जाता है तो वी आई टी हो जाता है एक और एक बन जाता है आई स्क्वायर आर टी उसके बाद वी स्क्वायर बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी ओके यहाँ पे सिमिलर वे में यहाँ पे आ, बहुत सारा फॉर्मूलास यहाँ पे बन गया ओके okay, तो ये हो गया हम लोग का व्हाट एक प्लान वाइज एक माइंड मैप हो गया देखिए यहाँ पे ये माइंड मैप को अगर आप लोग याद रख सकते हैं किसी भी तरीके से तो ये जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए याद करना याद रखना एग्ज़ाम से पहले स्पेशली जहाँ पे बहुत सारा टॉपिक एक साथ होता है और आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये जो माइंड मैप आज हम लोग आप आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं तो ये माइंड मैप के हेल्प से आप लोग इजी वे में इजीएस्ट वे में आप लोग क्या कर सकते हैं याद रख सकते हैं सब कुछ सो so, आज के वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना है आप लोग को ज़रूर अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वेरी मच